हेलो गाइस, सो आई एम हियर विद द स्टोरी बड़े घर की बेटी बाई प्रेमचंद्र। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। फर्स्ट, श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। प्रश्न, श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट किसके विपरीत थी और कैसे? उत्तर, श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट उसके छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के विपरीत थी। श्रीकंठ सिंह शरीर से निर्मल तथा चेहरे से कांतिहीन थे, क्योंकि वे अपने पढ़ाई के प्रति इतने जागरूक और मग्न थे कि वे अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते थे। परंतु लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती थी। वह रोज़ सुबह भैंस का 2 सेर दूध पी जाता था। प्रश्न, सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह के क्या विचार थे? उत्तर, श्रीकंठ सम्मिलित कुटुंब के एकमात्र उपासक थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। वह अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विरोधी थे तथा वे हमेशा उसकी निंदा करते थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक है। गाइज, आई होप आई एम नॉट रीडिंग इट वेरी फास्ट। प्रश्न, सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह और उनकी पत्नी के विचारों का अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के पक्ष में थे और चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर रहें, भले कितना भी मनमुटाव हो। जबकि श्रीकंठ की पत्नी आनंदी के अनुसार यदि बहुत कुछ समझौता करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह करना मुश्किल हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। प्रश्न, श्रीकंठ सिंह की पत्नी का संबंध किस कुल से था, स्पष्ट कीजिए। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी का संबंध उच्च कुल से था। वह एक बड़े घर की बेटी थी। उसके पिता भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उसके घर में विलास के सारे सामान थे, विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, 4 फानुस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और रेल सभी विद्यमान थे, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं। सेकंड, वह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। प्रश्न, सीधा सादा गृहस्थ से किसकी ओर संकेत किया गया है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर, सीधा सादा गृहस्थ से बेनी माधव सिंह की ओर संकेत किया गया है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह बहुत धनी थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर उन्हीं का बनवाया हुआ था। बेनी माधव अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा श्रीकंठ और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह, तथा आनंदी उनकी पुत्रवधु थी। आनंदी के पिता उसके विवाह को लेकर किस प्रकार के धर्म संकट में थे? उत्तर, आनंदी अपने पिता भूप सिंह की 4थी लड़की थी। वह रूपवती ही नहीं बल्कि गुणवती भी थी। इसलिए उसके पिता एक बड़े धर्म संकट में थे कि वे आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो वे चाहते थे कि ऋण का बोझ पड़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। प्रश्न, आनंदी के मैके और ससुराल के वातावरण में अंतर क्या था? मैके का वर्णन, आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उसके घर में विलास के सभी सामान थे, विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, 4 फानुस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और रेड सभी यहाँ विद्यमान थे। ससुराल का वर्णन, जिस टिमटाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह ससुराल के नाम मात्र को भी न थी। हाथी, घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहनी तक ना थी। ना बगीचा था जहां वह सैर करती, मकान में खिड़कियां
तक न थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। प्रश्न: आनंदी और लाल बिहारी की तकरार किस बात पर शुरू हुई? उत्तर: एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भाभी आनंदी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी ने हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न थी। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? बस इसी बात पर दोनों की तकरार शुरू हुई। थर्ड, भाभी भैया ने निश्चय किया कि वे मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी देखना न नहीं चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। प्रश्न: भाभी और भैया का परिचय दीजिए। भैया ने क्या निश्चय किया था और क्यों? उत्तर: भाभी बड़े घर की बेटी आनंदी हैं तथा भैया बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह है। भैया ने यह निश्चय किया कि अब वे लाल बिहारी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उसके द्वारा अपनी पत्नी आनंदी के ऊपर हुए गए अत्याचार से श्रीकंठ अत्यधिक क्रोधित थे और इसलिए वे अपने छोटे भाई को मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। प्रश्न: आनंदी के स्वभाव की चर्चा कीजिए। वह अपने पति पर किस बात के लिए झुंझला रही थी? आनंदी अत्यंत विनम्र और दयालु थी, क्योंकि अंत में वह लाल बिहारी को क्षमा करके दो भाइयों के अटूट रिश्ते को टूटने से बचा लेती है। वह अपने पति पर इसलिए झुंझला रही थी क्योंकि लाल बिहारी द्वारा माफ़ी मांगने पर भी श्रीकंठ सिंह अपने गुस्से को शांत कर भाई को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। प्रश्न: आनंदी की अपने पति से क्या बातचीत हुई? उत्तर: आनंदी ने अपने पति को बताया कि लाल बिहारी बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं और उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, इसलिए उसे क्षमा करके भीतर बुला लो। परंतु श्रीकंठ अत्यधिक क्रोधित थे और कहते हैं कि वे उसे नहीं बुलाएं। लास्ट क्वेश्चन: घटनाक्रम ने अंत में किस प्रकार मोड़ लिया? घटनाक्रम ने अंत में यह मोड़ लिया कि आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब लाल बिहारी के माफ़ी मांगने पर मन से पछता रही थी। जैसे ही लाल बिहारी सिंह घर छोड़कर जाने लगा तो श्रीकंठ का हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। श्रीकंठ सिंह ने लाल बिहारी को माफ़ कर दिया था। यह देखकर बेनी माधव सिंह ने खुश होकर कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस प्रकार परिवार टूटने से बच गया। गाइस, यू कैन ऐड हियर दैट बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, वह बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। बट ऑलरेडी द आंसर इज़ टू लॉन्ग, सो इफ़ यू वॉन्ट देन ओनली यू राइट, बिकॉज वी डोंट हैव टू राइट दी स्टोरी हियर। So thanks for watching and please share it with your mates as much as you can.